डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 01 नैपसैक की रिकर्सिव इक्वेशन। तो गाइज, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज में भी आपको कहीं पे भी अगर आपको रिकर्सिव इक्वेशन ऑफ 01 नैपसैक पूछते हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो में हमने 01 नैपसैक के बारे में डिस्कस किया था कि यार ग्रीडी अप्रोच क्यों फेल हो जाती है और डायनामिक अप्रोच में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, इवन सजेस्टेड वीडियो में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार वो जरूर चेक कर ले ताकि आपको पता लग जाए 01 नैपसैक काम कैसे करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 01 नैपसैक की रिकर्सिव इक्वेशन के बारे में, तो इसका बहुत ही जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं तो यहां पे हम लोग ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ मेथड लगा रहे हैं। मतलब या तो मैं उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको कंसीडर ही ना करो या फिर कंसीडर करो, कंसीडर ना करो या फिर कंसीडर करो। तो यानी अगर मेरे पास लेट से इस तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास इस तरीके से है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू लेट से n नंबर ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए दो दो ऑप्शंस हैं, या तो कंसीडर करो या ना कंसीडर करो। तो टोटल मेरे पास डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने बन रही है, कितनी बनेगी, ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ टोटल केसेस बनेंगे, 2^n नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, सब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे, कॉमन सब प्रॉब्लम्स को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सबसे पहले रिकर्सिव इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो रिकर्सिव इक्वेशन भी आपकी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है, या तो हम कंसीडर करेंगे या हम उसको ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो, लेट्स से मेरा n जो है यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और m जो है दैट इज अ टोटल वेट, जो नैपसैक का टोटल वेट है दैट इज m, एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे कितने हैं, वो है n। अब लेट्स से मेरा कोई भी nth ऑब्जेक्ट है, तो उस nth ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट होगा उसको मैं pn से डिनोट कर रहा हूं, और जो उस nth ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो मैं wn से डिनोट कर रहा हूं। जस्ट मैं, क्योंकि मैं इसको मैं यहां पे यूज करूंगा जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। मतलब लेट्स से अगर आपके पास पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट का प्रॉफिट कितना हो गया, लेट्स से p1, और उसका वेट कितना हो गया w1, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो देखो यहां पे अगर वही सेम चीज कि पहले या तो कंसीडर करो या मत कंसीडर करो, मतलब या तो उसको नैपसैक में डालो या फिर नहीं डालो, और ये आपको पता ही है कि 01 का मतलब है या तो पूरा डालेगा या फिर वो पूरा नहीं डलेगा। तो देखो, अगर मैं सबसे पहला केस यहां पे बना रहा हूं कि मैंने लिया 01 नैपसैक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं 01 नैपसैक। अब देखो यहां पे अगर मैं कंसीडर करता हूं, मतलब इस nth वाले एलिमेंट को अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो इसको मैंने यूज कर लिया, नैपसैक में डाल दिया, तो पीछे कितने बचे, पीछे मेरे पास बचे n-1 एलिमेंट। सिंपल, अगर मैंने nth वाले को डाल दिया तो पीछे कितने बचे, n-1 एलिमेंट बचे, और मेरा वेट कितना बचा, ऑब्वियसली अगर मैंने उसको नैपसैक में डाल दिया तो वेट भी मेरा कम हो जाएगा। टोटल वेट मेरा नैपसैक का टोटल वेट कितना था, m, लेकिन उसमें से मैंने ऑब्वियसली अगर n वाला डाल दिया तो वेट कितना है उसका, wn, वो कम हो जाएगा, तो यानी m-wn आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो आपका हो गया, n एलिमेंट को आपने डाल दिया, nth वाले को डाल दिया, बचे कितने पीछे n-1, और उसका वेट भी आपने टोटल नैपसैक के वेट में से कम कर दिया। फिर आपको मिला क्या, आपको मिला प्रॉफिट। इस केस में ऑब्वियसली आपने कंसीडर किया तो आपको प्रॉफिट भी तो मिलेगा ना, कितना प्रॉफिट मिला, उस nth वाले का pn प्रॉफिट था, वो आपने ऐड कर दिया। तो ये पहली इक्वेशन इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना इसको क्रैम करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, भैया कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप एक बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं तो वहां पे रट्टा फेल हो जाएगा। तो यार बेटर है कि आप इसको समझो कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैंने कंसीडर किया, वेट रिड्यूस कर दिया, प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया, दूसरा केस क्या कहता है कि आप उसको कंसीडर ही ना करो, मतलब आप उसको या तो कंसीडर करो या मत कंसीडर करो। अगर मैं नहीं कंसीडर करता फिर क्या बनेगा,
01 नैपसैक, मैंने nth वाले को कंसीडर नहीं किया, मतलब मैंने उसको ऐड नहीं किया, तो मेरे पास पीछे कितने बचे, n-1 मेरे पास पीछे इतने बचे, ठीक है, मतलब मैंने उसको उठाया, लेकिन मैंने उसको नैपसैक में नहीं डाला, मैंने छोड़ा कि छोड़ो यार इसको छोड़ देते हैं, बाकी n-1 में से अब उठाएंगे, तो उसको मैंने छोड़ दिया, बाकी n-1 में से अब मैं नेक्स्ट चेक करूंगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया, ऐड नहीं किया, तो ऑब्वियसली वेट मेरा कम होगा, क्यों कम होगा, जब मैंने ऐड ही नहीं किया उसको, तो नैपसैक में ऐड ही नहीं किया, तो वेट ऑब्वियसली नैपसैक में से कम नहीं होगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, भैया क्यों मिलेगा, जब आपने उसको ऐड ही नहीं किया, तो आपने उसको कंसीडर नहीं किया, तो वेट एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, तो ये मेजर दो इक्वेशंस आपके पास ये वाली बन जाती हैं, तो इन दो इक्वेशंस को आप यूज करोगे, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस का मैक्सिमम जो है वो आपका आउटपुट, क्योंकि मेरे को फाइनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, मैक्सिमम आंसर चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए या तो मैं ये लूंगा या ये, और फाइनल में इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वही मैं आउटपुट में शो करवा दूंगा। इसके ये क्या मतलब इतने केसेस इनफ है या इसके अलावा कोई और केस भी बन सकता है, छोटे मोटे और केसेस हैं जैसे टर्मिनेशन कंडीशन है वो भी, उससे पहले एक छोटा सा कंडीशन और भी बन सकती है कि अगर आपके दिमाग में आए कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट नैपसैक के वेट से ज्यादा हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है पूरा जो बैग है जो नैपसैक है उससे ज्यादा हुआ, तो उसको तो तुरंत ही छोड़ दो, उसको तो तुरंत आप रिमूव कर दो, तो वो कंडीशन भी लिख दो। वो कंडीशन कैसे बनेगी, वो कंडीशन भी सिंपल ये बनेगी कि अगर मेरा जो टोटल वेट है, मतलब किसी भी एलिमेंट का वेट है, जैसे कोई भी एलिमेंट है WN, उसका वेट ऑब्वियसली WN बन गया, एलिमेंट है N, उसका वेट है WN, अगर उसका वेट टोटल नैपसैक के वेट से, जो टोटल नैपसैक का वेट कितना है M, अगर उससे ज्यादा हुआ तो भैया उसको तुरंत हटाओ, मतलब उस वाले एलिमेंट को आप कंसीडर ही मत करो, रिमूव कर दो, तो n-1 पीछे बचे और ये जो टोटल वेट है M वो एज इट इज रहेगा। ये भी एक इक्वेशन बन जाती है। तो पहली इक्वेशन आपकी ये वाली बन गई, दूसरी इक्वेशन आपकी ये वाली बन गई, अगर वेट मेरा ज्यादा है, अगर वेट मेरा बराबर या उससे कम है तब तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक उठा लेंगे। लास्ट एक छोटी सी क्या बनेगी, टर्मिनेशन, कि अगर मेरे पास, लेट्स से कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचते हैं 0, या फिर मेरे पास वेट टोटल पीछे बचता है 0, मतलब नैपसैक का वेट मेरे पास रिमेनिंग बचा है 0, मतलब एलिमेंट डाल दिए सारे या जितने भी डाले, वेट मेरे पास अब रिमेनिंग बचा है 0, या फिर मेरे पास एलिमेंट ही नहीं बचा, उस केस में ऑब्वियसली आउटपुट क्या आ जाएगी, 0, दैट इज व्हाट अ टर्मिनेशन कंडीशन। तो ये आपकी टोटल कंडीशंस जो है वो ये सारी की सारी बनती है, तो इनमें से हम उठा के क्या करेंगे, इस तरीके से हम रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका रेकरेंस रिलेशन बन गया, इसको आप नोट कर लेना, नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कैसे रेकरेंस रिलेशन को या रिकर्सिव इक्वेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिकर्जन ट्री के बारे में एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो आई होप कि आपको रिकर्सिव इक्वेशन कैसे बनानी है, रेकरेंस रिलेशन कैसे बनाना है, ये समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, एटलीस्ट मुझे ये पता लग जाएगा कि आप इस पॉइंट तक पहुंचे भी हो या नहीं वीडियो के। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें रिकर्जन ट्री के बारे में, तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, 01 नैपसैक 4,4, तो ये 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये 4 क्या है, नैपसैक का वेट, ठीक है। तो यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट है मतलब ये जो 4 ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट मैंने 1 लिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि यार ये कैसे काम कर रहा है, जो हमने रिकर्सिव इक्वेशन बनाई थी वो कैसे काम कर रही है। तो देखो वही सेम फंडा आ गया कि या तो हम कंसीडर करेंगे या हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मैंने कंसीडर किया तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने रह जाएंगे, 3, और मैंने अगर उसको कंसीडर किया, मतलब लेट्स से 4 ऑब्जेक्ट है, 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर कर लिया, मतलब नैपसैक में डाल दिया, अगर नैपसैक में डाल दिया तो नैपसैक के वेट में से हम उसका वेट कम कर देंगे। तो उसका वेट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हर एक ऑब्जेक्ट का मैंने ज्यूम किया हुआ है वेट कितना है, 1, और प्रॉफिट भी कितना है, लेट्स से 1, तो देखो 4 माइनस क्या करोगे आप, 1 करोगे तो क्या बनेगा, 3, प्लस प्रॉफिट कर दो 1, ठीक है। तो प्रॉफिट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि मैं सिर्फ फंक्शन कॉल्स को यहां पे बना के दिखा रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेट्स से अगर हम कंसीडर नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर हम उस वाले को छोड़ देते हैं, उस सब्जेक्ट को हम डालेंगे ही नहीं, और मेरा नैपसैक का वेट एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन आ जाओ जी
दोबारा से फिर हमने क्या किया, बची हुई तीन ऑब्जेक्ट में से फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को मैंने नैपसैक में डाल दिया और मेरा जो वेट है वो भी क्या हो गया, एक और कम हो गया, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट को भी डाल दिया, नेक्स्ट वाले को, थर्ड वाले को भी डाल दिया और उसका वेट जो है वो एक कम कर दिया नैपसैक के वेट में से। अगर लेट से मैं उसको कंसीडर नहीं करता, अगर मैं उसको कंसीडर नहीं करता तो क्या होगा, उस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया लेकिन वेट मेरा एज इट इज बना देगा। ऐसे यहां पे करते जाओ, बस फटाफट से लिखते जाओ, नैपसैक, लेट से मैंने उसको कंसीडर किया, अगर किया तो ये क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, अगर कंसीडर नहीं किया उसको छोड़ दिया तो 4 का 4 ही बना रहेगा। ऐसे ही लेट से इसको फर्दर अगर हम करें तो मैंने कंसीडर किया, वेट एक कम हो गया, लेट से अगर मैंने कंसीडर उसको नहीं किया तो वेट मेरा एज इट इज बना रहेगा। नेक्स्ट ऐसे ही आपके पास यहां पे भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि स्पेस मेरे पास बच जाए। तो अगर मैं लेट से उसको कंसीडर करता हूं तो 1,2 हो जाएगा, अगर मैं कंसीडर नहीं करता तो फिर मेरा 3 का वेट 3 ही बना रहेगा, मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लूंगा। देन अगर हम इसमें भी बात करें तो ये मेरा यहां पे भी 1,2 हो जाएगा और अगर मैं उसको लेट से कंसीडर नहीं करता तो मेरा उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो और वेट मेरा एज इट इज बना रहेगा। ऐसे इसमें मेरा नैपसैक जो है 1,3 हो जाएगा और अगर मैं कंसीडर नहीं करता तो मैं उसको छोड़ के नैपसैक में मेरा जो वेट है वो एज इट इज बना रहेगा। इसी तरीके से आप इसको फर्दर भी अगर चलाना चाहो चला सकते हो, 0-1 ये आपका 0-0 हो गया, मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल पे पहुंच गए, टर्मिनेशन कंडीशन पे पहुंच गए, या ये 0 या फिर ये 0, दोनों में से चाहे ऑब्जेक्ट 0 हो जाए चाहे वेट 0 हो जाए आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। और फिर यहां से भी ये वापिस जो है वो रिटर्न करेगा क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स है ना, रिकर्सिव कॉल्स करते करते लास्ट में जाके ये आउटपुट क्या देगा, 0। फिर इसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ऐड करके जो भी मैक्सिमम रिजल्ट आएगा इस पॉइंट पे वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ऑप्टिमल रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो इसको फर्दर कर सकते हो, वैसे इतना करने की आगे जरूरत नहीं, आपको आइडिया जो है वो यहीं से लग जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लेट से उसको कंसीडर नहीं करते तो इसको एज इट इज, ऐसे इसके दो, ऐसे इसके इसके, ये सारे टर्मिनेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास इनिशियली जो थी 4-4, इसको मैंने 3-3 इस तरीके से मैंने रिड्यूस किया। अगर लेट से हम इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेट से भूल जाएं, हम सिंपल ब्रूट फोर्स मेथड से करें, मतलब टोटल जितनी फंक्शन कॉल्स हैं उन सबको अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो आपको दिख रहा है हाउ मेनी फंक्शन कॉल्स आर देयर, टोटल कितनी फंक्शन कॉल्स यहां पे बन रही हैं, टोटल आपके पास 2^n नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स यहां पे, तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 2^n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनेगी। वैसे फंक्शन कॉल्स अगर हम एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं तो वो 2^n+1 में जाएगी। रीजन क्या है, 2^0 इस लेवल पे है, 2^1 इस लेवल पे, 2^2, 2^3, 2^4 इस तरीके से आपकी फंक्शन कॉल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज ऑर्डर की टर्म में लिखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनेगी ऑर्डर ऑफ 2^n। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि अगर आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, ऐसी कुछ सब प्रॉब्लम्स जो रिपीट हो रही हैं, बार बार उनको सॉल्व मत करो, उनको स्टोर कर लो, अगर वो दोबारा से आएंगी हम डायरेक्टली उनको यूज कर लेंगे रादर देन कैलकुलेटिंग अगेन। तो यहां पे आपको दिख रही है कोई सब प्रॉब्लम जो रिपीट हो रही हो, मेरे हिसाब से यहां पे मेरे को एक तो ये दिख रही है 2-3, ये देखो ये जी दो बार आ गई 2-3, तो एक बार हम सॉल्व करेंगे, स्टोर कर लेंगे टेबल में और नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे, बार बार इवेल्युएट नहीं करेंगे। ऐसे ही लेट से 1-2 दिख रहे हैं आपको, ये रहा 1-2, इसके अलावा ये रहा 1-2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 1-3, तो देखो ये रही 1-3, ये रही 1-3, ये रही 1-3, तो आपको छोटी सी, मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल लिया 4-4 का, उसमें भी आपको दिख रहा है कि सब प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हो रही है। तो अगर सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है मीन्स डायनामिक प्रोग्रामिंग इज सक्सेसफुल हेयर। तो ऑब्वियसली अब हम कह सकते हैं कि जो मेरी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी ब्रूट फोर्स से, उसको मैं क्या कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं, उसको मैं क्या कर सकता हूं, रिड्यूस कर सकता हूं। तो कितना रिड्यूस कर सकता हूं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये टोटल सब प्रॉब्लम्स में से कितनी यूनिक है और कितनी रिपीट हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो कितनी यूनिक है और कितनी रिपीट हो रही है, टोटल कितनी है मेरे पास, 2^n+1 टोटल है, उनमें से मेरी रिपीट कितनी हो रही है, या आप कह सकते हो कितनी यूनिक है, तो यूनिक आपका इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब n और m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टोटल मेरे पास कितनी यूनिक आ रही है, दैट इज व्हाट n इनटू m।
जैसे अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो 4 × 4 = 16, टोटल आपके पास अबाउट 32 प्रॉब्लम्स है, 31 है, मतलब 2^n+1 आप कह सकते हो, 2^n अगर हम बात करें तो उसमें से नियर अबाउट 4 × 4 = 16 आपकी क्या है, यूनिक प्रॉब्लम्स है, बाकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इतने छोटे से एग्जांपल में भी अगर रिपीट हो रही है, अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आपको लास्ट लेवल में बहुत सारी रिपीटेशन मिलेंगी, तो आप कह सकते हो कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रूट फोर्स में जो 2^n एक्सपोनेंशियल आ रही थी उसको रिड्यूस करके हमने n × m में ले आए, मतलब रिड्यूस करके इसको n × m में ले आए। अगर m की वैल्यू n के बराबर है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके कम ही होते हैं, वेट ज्यादा होता है, बट स्टिल आपको अगर कहीं पे भी पूछ ले आप n × m भी लिख सकते हो, कई जगह पे n × w लिखा होगा, बात एक ही है, ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब हम करते क्या है, इसमें टेबल में डेटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं, जो टेबल हम बनाएंगे उस टेबल का साइज हम कितना रखेंगे, ये जो टेबल हम यहां पे बनाएंगे जिस टेबल में हम हर एक सब प्रॉब्लम की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे ताकि लेटर ऑन जब वो रिपीट होगी हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो वो उस टेबल का साइज अगर आपसे पूछ लें तो कितना बनेगा, वो भी आपको यहां पे दिख रहा होगा कितना साइज जो है वो उसका बनेगा, उसका साइज आपका बनेगा n+1 × m+1 का साइज। उसका रीजन क्या है, प्लस वन हमने क्यों किया, क्योंकि मेरी जो है वो 4-4 से स्टार्ट होके 0 तक जा रही है, ठीक है ना, 4-4 से 3-3, 3-3 से 2-2, 2-2 से 1-1, 1-1 से 0, मतलब हम 0th लेवल पे भी जा रहे हैं, दैट्स वाई एक हमने ऐड कर दिया n+1 × m+1। तो अगर मतलब इसका बना रहा हूं मेरे को टेबल, तो 5 × 5 25 का मैं टेबल बना के सारों को क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी हो तो ऑर्डर ऑफ n × m लिख सकते हो, अगर आपको स्पेस पूछ लें कितना चाहिए तो इतना स्पेस चाहिए, नॉर्मल केस में 2^n बन रही थी। सो दिस इज हाउ द डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली सेव्स द टाइम। थैंक यू।